शरीर बुरा है, दिल तो कभी बुरा ही होगा दोस्तों, क्योंकि केमिस्ट्री में कोई ऐसा एनर्जी ही नहीं है कि आपके बॉन्ड और मेरे बॉन्ड को कोई एनर्जी तोड़ सके। देयर इज नो एनी एनर्जी डेवलप्ड नाउडेस दैट कैन स्टॉप आवर बॉन्ड एंड योर बॉन्ड। अगर जाने अनजाने में किसी भी प्रकार का कोई गलती हो गया होगा तो मुझे माफ कर देना। अगर मेरे अंदर कोई कमी रह गया होगा तो उस कमी को इस साल हम पूरा कर देंगे, क्योंकि जिस वक्त आपको हम पढ़ा रहे थे उस वक्त हम काफी बीमार भी हो गए थे। अरे आपको तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उस खतरनाक बीमारी से हमने 8 दिन में उभर के जब आपके सामने आया था तो आपने हमें हिम्मत दिया कि भैया आप फिर से वही जोश और जुनून में पढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। दोस्त हमने आपको सिर्फ शिक्षा देने का काम नहीं किया, आपको एक बेहतर जिंदगी जीना है, और इस बात को पूरा गौर से सुनिएगा, आप अपने जिंदगी में खुशी लाइएगा, जिंदगी में हंसी लाइएगा, जिंदगी पर हंसी ना बन जाए ऐसा नहीं। दोस्त ये गुरु और ये शिष्य का रिश्ता क्या होता है हमें तो ये आपने 2 साल में पता नहीं चलने दिया, आपका और मेरा रिश्ता एक दोस्त की तरह बीता ये हमें पता चला। आपको हमने गाली भी दिया, आपको हमने मारा भी, आप क्योंकि कभी भी हमने आपको एक टीचर बन के नहीं पढ़ाया, हमने आपको एक दोस्त बन के पढ़ाया। और ये दोस्त शायद हम आपको ये बात ना बोल पाए, फिर कभी रास्ते में अगर मिलेंगे तो सिर्फ हाल चाल ही पूछा जाएगा, लेकिन एक बात हम कहते हैं दोस्त, इतना जरूर ख्याल रखना जिसने आपको पैदा किया है ना दोस्त, उसको किसी भी प्रकार का अगर कभी दुख तकलीफ मत देना दोस्त, उसके लिए चाहे शरीर बिक जाए, किडनी बिक जाए, लिवर बिक जाए बोलेंगे, लेकिन उस देवता रूपी माँ बाप को कभी भी तकलीफ होना नहीं चाहिए। अरे अगर एक बेटा एक जवान बेटा के रहते अगर माँ बाप को तकलीफ हो गया तो लानत है हम बेटों पे, क्या बात। और एक चीज आपको बताते हैं, 3 चीज होता है, बेटा पुत्र सुपुत्र। बेटा मतलब जो बाप ने आपके समाज में इज्जत कमाया है, अगर आप उसको थोड़ा बहुत बरकरार रखें तो आप बेटा है, और पुत्र का मतलब अगर पिताजी ने जितना इज्जत कमाया है और उसको थोड़ा सा अगर आप बढ़ा दिए समाज में तो पुत्र है, और सुपुत्र का मतलब बाप के पास कुछ नहीं है और आपने बहुत कुछ अर्जित किया वो सुपुत्र है। सुपुत्र बना सुपुत्र ऐसे आप गांव देहात में सु का मतलब बहुत अच्छा, और पुत्र मने पू मने पूर्वज अत्र मने तार देना, जो पूर्वज को तार दे वही सुपुत्र है दोस्त। एक सुपुत्र बनना है और अपने माँ बाप को आप जिस गांव में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश के भी, और हम लोग बहुत खुशनसीब है दोस्त इस भारत के जैसा पवित्र भूमि हमको मिला है, जहाँ पे दिवाली में अली का नाम तो रमजान में राम का नाम लिया जाता है। ये हिंदू और मुस्लिम के त्योहारों का खूबसूरती है मेरे दोस्त, यहाँ पे हिंदू के होली में मुस्लिम भाई खेलते हैं, मुस्लिम के तजिया में हिंदू सूर्य किसली सजना जाति देश में हमारे रहते हैं, सब कोई उनके त्योहारों को एंजॉय करते हैं। आप कभी भी अपने देश में जातीयता को हावी नहीं होने देंगे, आप जातिवाद समझ के किसी का मदद नहीं करेंगे। इंसान इस देश में इस पृथ्वी पे दो ही जात है, एक पुरुष और एक महिला, बस इतना ही आपको हम बोलेंगे दोस्त। अरे आपसे दूर होना ये तो कुदरत ने नियम बना दिया है, ये सरकार ने नियम बना दिया है, आपने हमें बहुत कुछ दिया दोस्त, और आपके द्वारा दिया गया इज्जत और बहुत रहा, शायद मेरे प्यार में अगर कोई कमी आ गया होगा माफ करना दोस्त, कोई कमी ना सोचते हैं कि फेयरवेल में हम नहीं रोएंगे, लेकिन दोस्त आप लोग के मासूम चेहरे में जो प्यार झलकता है वो हमारा दिल तोड़ देता है दोस्त। ठीक है,
लेकिन हम आपके सामने नहीं रोएंगे, हमको आप हंसा देना, जिंदगी में आप कामयाब होके दिखा देना। और ए दोस्त, ये जमाना ने असफलताओं को ना कभी नहीं पूछता, दोस्त जिंदगी में आप सफल हो जाना। ये मेरी बेटी है, तुम मेरा तरफ देखती भी नहीं है रे। अच्छा, ये जनवरी फरवरी मार्च को नाचने मंच बोलती है। ए बेटी, तुम मेरा बेटी है, तुम मुझे तो पढ़ाए, तुम मेरा बेटी। ए ए बेटी, तुम पढ़ना बढ़िया से, तुम मेघा होगा को कहाँ रही, मेघा होगा दे दो। ए दोस्त, विदा लेते आपसे हम, ठीक, और आपको फूल एंजॉय मिलेगा, आशीष ज्यादा।